संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर गुरुवार को नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत नागरिकों में यातायात नियमों की जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा कि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौतें केवल युवाओं की होती हैं, जो कि गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाने के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करे तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने दायित्वों को समझते हुए अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति स्कूल, कॉलेज तथा रैली निकालकर लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय BK सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, प्रशासन महोदय जरूरत है, वही अगर हम उनकी अनदेखी करते हैं, उनके संचालन में कोई सी तरह की लापरवाही करते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोग मृत्यु हो गई और बाकी लोग या तो आंशिक रूप से विकलांग हैं या पूर्णतः विकलांग हो गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि विधायक जी के हाथों से अभी शुभारंभ किया जाएगा। आप हमारे बीच उपस्थित होने से हम लोग बहुत ही हर्ष महसूस कर रहे हैं और यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पे यह देखा गया है कि हमारा देश विश्व में दुर्घटनाओं को लेकर के बहुत अग्रणी है। यहाँ 1.5 लाख से अधिक लोग प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 4.5 लाख से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। अपनी GDP का 0.3% इसमें इन्वेस्ट होता है और परिवारों को जिनके यहाँ लोग मृतक या विकलांग हो जाते हैं उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम जनता के बीच में भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 माह का जो रूपरेखा तय करके भेजी गई है उसी के अनुरूप हम सुरक्षा माह के उद्घाटन समारोह में माननीय विधायक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज सुबह ही हमारे यहाँ परिवहन विभाग का एक समेकित उद्घाटन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल किया गया था और हम लोगों ने ऑनलाइन इस चीज़ को जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ ज्वाइन करके उसको देखा हम लोगों ने और उद्घाटन हमारा आज सड़क सुरक्षा माह का शुरू हो चुका है। इस सड़क सुरक्षा माह को के आयोजन का एक बहुत विशेष कारण ये है कि हम लोग नियम तो बहुत जानते हैं, जिसको पूछो छोटे बच्चे से पूछो तो वो बताएगा दो पहिया वाहन में आप हेलमेट चला के चलिए, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगा के चलिए, कागज़ पूरे होने चाहिए, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन इस वक्त हमने इस आयोजन का एक महत्व ये जाना है कि आप लोगों को जागरूक करना है और इस तरह से कि इस नियमों को आप अपने जीवन में जैसे और अन्य कार्य को आप महत्वपूर्ण समझते हैं वैसे सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए भी अपना महत्वपूर्ण अंग बना लें ताकि आपके साथ साथ आपके जीवन की रक्षा हो और आपके परिवार का भी रक्षा हो सके। इन नियमों को हम प्रतिदिन जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे आपके पिता हो, माता हो, बहन हो, कोई भी आपके सगे संबंधी हो, उनको ज़रूर एक बार टोकिए कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना है या सीट बेल्ट लगाना है। लेकिन घर के बाहर जैसे ही कदम रखें आपको अपने लिए और अपने जीवन परिवार की रक्षा के लिए ये नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। इस क्रम में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि परिवहन विभाग की तरफ से पूरे माह में 20 फरवरी तक जो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क सुरक्षा है इसका आयोजन कर रहे हैं, उसमें 20 फरवरी तक हम लोग विभिन्न विभिन्न दिनों तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें
कभी सड़क सुरक्षा रैली मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएगा और हमारे प्रचार वाहन भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा जिसकी वजह से सारे जनता को जागरूकता अभियान के रूप में हम उनको शामिल करना चाहेंगे। मुझे याद है जब पिछली बार इस कार्यक्रम को गोरखपुर क्लब में आयोजित किया गया था, मैंने उस समय भी इस बात को, जो पुराने लोग होंगे जो उस समय अधिकारी रहे होंगे उसका एहसास उनको होगा जो मैंने कहा था। हमारा उद्देश्य नागरिकों की जागरूकता पैदा करना है। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं है। यह समय सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बताने का नहीं है, उन आंकड़ों को घटाने का। और यह औपचारिकता मात्र से पूरा नहीं होगा। जो आप दोहराएंगे मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया पीछे की भीड़ अपने आप गायब हो किसी को भूल कहते हैं कि इतने लोग ले रहे हैं किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जोर से कीजिए कि हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूरी किए और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट इत्यादि नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। अब मेरे जैसे आदमी का ये विभाग लाभ नहीं ले पाता, इसलिए कि आप सिर्फ कार की आपका विभाग का जी जी सबकी सहमति है ना जी जी। परिवहन के नियमों के साथ साथ हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा दो व्यक्ति से अधिक ना बैठें। चार पहिया वाहन चालक एवं उस पर सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग ना करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। खतरनाक ढंग से वाहन ना चलाएं। क्षमता से अधिक माल एवं यात्री ना ढोएं। नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। यातायात संकेत एवं नियमों का पालन करें। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क सुरक्षा माह मनाने के लिए। पूरे माह एक कार्यक्रम चलेगा। हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री और सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का लक्ष्य बहुत साफ। हमारे देश में 1.5 लाख मौतें प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट के नाते हो रही हैं और अगर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इनकी संख्या बढ़ करके 2030 आते आते 6 से 7 लाख होने वाली है। इसलिए उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना ली है कि हम नागरिकों को और अधिक जागरूक करेंगे। नागरिकों को प्रशिक्षित करना, सड़कों में जहां कहीं दुर्घटना प्रेरक कमियां हों उन्हें दूर करना, कानूनों को बताने के बाद जो नागरिक या जो ड्राइवर्स लापरवाही कर रहे हों उनके विरुद्ध कार्रवाई करके सुनिश्चित करना कि वो कानूनों का पालन करें। और कदाचित अगर सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं तो वो दुर्घटनाओं मौतों में न बदल पाएँ इसलिए सारे इमरजेंसी केयर व्यवस्था करें। इस दृष्टि से कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है और देश के कुछ प्रांतों में इसका असर भी मिला है।
ये चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए भी है और हम उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग इस बात के लिए जागरूक हैं। और मैंने यहाँ के आरटीओ साहिबा से कहा है, हम देश में उस मानक को कैसे प्राप्त कर सकें जो तमिलनाडु ने प्राप्त किया है और मौतों को करीब करीब 2/4 कम कर लिया है, 17,000 समथिंग से घटा करके 7,000 पे लाना, ये बहुत बड़ी सफलता है उनकी और ये सफलता हम भी पा सकते हैं और हमारे लिए चुनौती होना चाहिए और माननीय आरटीओ साहिबा के लिए अवसर होना चाहिए अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का। हम लोग मूल्यांकन भी अधिकारियों का इसी आधार पर करेंगे कि अगर अधिकारियों को कोई कार्यक्रम दिया गया है तो जमीनी धरातल पर वो सिर्फ औपचारिकता मात्र न रह करके नागरिकों तक वो कार्यक्रम पहुँचे, नागरिक सचमुच जागरूक हों, सड़क सचमुच सुरक्षित हों, कानून तोड़ने वाले दंडित हों और मरने वाले लोगों संभावित मौतों को रोका जा सके, इसके लिए इनका विभाग एक नोडल विभाग है, सारे विभागों से समन्वय करके ये दायित्व निभाया जाए, हम लोग इसका प्रयास करेंगे।